हॉस्पिटल में हालात हुए हैं, उसमें एक कर्नल साहब आए हैं जिसने ना प्रवोस से इजाज़त ली है, ना किसी उसने वार्डन से इजाज़त ली है। वो हमारे तुलबात में आए हैं, वो उनको कहते हैं कि ये दहशत गर्द हैं, ये जब वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम होती है वो हमें दहशत गर्दी का लकब दे देते हैं, हमें मंशियात का लकब दे देते हैं। जब उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो आप चले जाएं, आप ये नहीं चला सकते। वीसी ने सारे जो भी इख्तियार हैं उसने कर्नल साहब को दे दिए हैं, उसने कोई प्रवोस्ट के अरसे से मार नहीं दिए। जब हम रात को वार्डन के पास गए हैं, मैंने वार्डन को बोला कि ये तो आपके इख्तियार हैं, कोई एन जे बता दे कि आप बगैर किसी पूछे उसके ताले तोड़ देते हैं। तो उसने कहा कि हमें इशारा मिला इस तरह कि आप बोलो तो हम चले, आप बोलो तो हम बैठे, आप बोलो तो हम कान पकड़े। क्या ये दहशत गर्दी नहीं है तो हमें आप बताओ। कर्नल तेरे जाब्ते हम नहीं मानते, कर्नल तेरे जाब्ते हम नहीं मानते, कर्नल तेरे जाब्ते हम नहीं मानते। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जहाँ जो कुत्ते यहाँ पैदा हो रही है, यहाँ पश्तून, यहाँ बलोची, यहाँ सिंधी, यहाँ गिलती, यहाँ सिराइकी, ये है एक है। अगर जिस्म को तकलीफ होती, अगर एक जिस्म को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेकरार होता है। अगर कोई गलतफहमी में है कि वो पश्तून को बोलेंगे तो वो पश्तून होंगे, अगर उसने पश्तून को गलत बोला है तो उसने पूरी कम्युनिटी को गलत बोला है। हम एक हैं। और मैं विसी साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विसी साहब ये फैसला बात नहीं है, ये जीसी नहीं है, ये QAU है और इसमें QSF है। और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है वीसी साहब, जो आप ये मेहरबानी करना साहब लेके आए हैं कि इसका मतलब है जो प्रवोस्ट बैठे हैं, जो वार्डन बैठे हैं, उन्होंने यहाँ 25-30 साल कुर्बानियाँ दी हैं, वो चल नहीं सकते, उनके सफ़ेद बाल हो गए हैं। एक बंदा आता है दो दिन में, वो प्रवोस्ट को बोलता खामोश हो जाओ, वो वार्डन को बोलता खामोश हो जाओ। इसका मतलब जिसने QAU में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं उनकी यहाँ कोई कोत नहीं है। बताना चाहता हूँ यहाँ QSF है, ये फौजी गर्दी उसके बाद वीसी साहब ये एक क्लियर मैसेज आपको दे रही है QSF, ये तो अभी हमने बस छोटी सी गैदरिंग की है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये पीस वॉक है। जब QSF धरने पे जाती है, प्रोटेस्ट पे चलती है, तो फिर ये पार्लियामेंट भी हिलती है। पार्लियामेंट हिलती है, ये पूरा पाकिस्तान हिलता है, पूरा पाकिस्तान जाम होता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। और आप अपनी जो डिप्लोमेटिक काम कर रहे हैं उस पर जरा सोचिएगा। और आप मैं दावा देता हूँ बाकी QSF निमरान।